हे व्यूअर्स, मैं हूँ तरमीर अहमद एस टी होम किचन गार्डनिंग से। तो ये हम छोटा सा एक क्लिप बनाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम मिट्टी कहाँ से परचेज कर सकते हैं और बालू मिट्टी क्या बला है। अक्सर आप चैनल पे सुनते हैं कि बालू मिट्टी, तो आप सुन सुन के भी पागल हो गए होंगे कि बालू मिट्टी क्या चीज़ है। तो अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये खाद, इसको बोलते हैं गाय के गोबर को। तो ये गाय का गोबर पड़ा हुआ है और साथ ही वहाँ पर बालू मिट्टी पड़ी हुई है। तो मैं पास जाके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये एक आपको बैग 100 में मिलेगा, ये इसका गाय के गोबर का, और 100 में ही आपको बालू मिट्टी अवेलेबल है नर्सरियों से। तो आप आके इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इनसे फ़ायदा ये होता है कि ये ब्रीक होती है काफ़ी हद तक, ये जो गाय का गोबर है। तो अगर आपने प्लांट लगाए हुए हैं अपने घर में, तो ये लेके जाके इनको खाद की जगह पे इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं अभी बालू मिट्टी इस साइड पे पड़ी हुई है इनके। तो ये बालू मिट्टी है इनकी, ये देखें। तो जो चीकनी मिट्टी होती है, अगर हम उसको ऐसे हाथ से मसलेंगे तो वो मसली नहीं जाती, वो हार्ड मिट्टी होती है। तो ये नरम होती है मिट्टी, इसके अंदर सैंड मिक्स हुई होती है, और ये तकरीबन नहर के किनारे से उठाते हैं इनको, इस मिट्टी को। तो आपको ये 100 में एक बैग मिलेगा बालू मिट्टी का। तो इजीली है, इसको आप जाके लगाएं, अपने फ्लावर पॉट में ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जाके, अगर आप जो भी फ्लावर पॉट के अंदर प्लांट लगाएंगे उसके अंदर जाके आप गाय का गोबर ऊपर से ऐड करेंगे, गाय का गोबर ऐड करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह ये किसी भी नर्सरी से आके आप इस सीज़न में मिट्टी को इजीली इनसे परचेज़ कर सकते हैं। तो किसी भी नर्सरी में आ जाएं तो आपको इजीली ये मिट्टी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।